नमस्कार योगिता रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते ट्रेडिशनल ऐसी सुरुचि वड़ी, महाराष्ट्रीयन डिश, और गुजरात में इसे खांडवी नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। आज हम सुरुचि वड़ी महाराष्ट्रीयन और गुजरात की फेमस खांडवी बनाएंगे। उसके लिए एक कप बेसन लिया है मैंने, सरसों और तिल 1/1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का मैंने कूट के लिया है, नमक लगेगा, एक मिर्च है, धनिया है गार्निशिंग के लिए, हमें एक कप दही लगेगा, हींग लगेगा, तेल और 2 कप मैंने पानी लिया है। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप दही लेंगे और 2 कप पानी, इसका एक हमें गाढ़ा सा छाछ बना लेना है, इतना मेजरमेंट लोगे बराबर होने वाला है। इसे हम थोड़ा सा हिला लेते हैं रवि से, इसे मैंने बीट किया है, अभी इसे बाजू में रखेंगे। बेसन हम छान लेते हैं, इसे अच्छी तरह से छानना है। बेसन मैंने छान लिया है, इसमें मिर्ची और अदरक की पेस्ट डालती हूँ, 1/2 टीस्पून लिए मैंने, नमक डालेंगे हम स्वादानुसार, हल्दी 1/2 टीस्पून, हींग 1/2 टीस्पून, और अभी हम ये जो छाछ हमने बनाया है थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे इसमें, और इसका एक बैटर हमें तैयार करना है। इसमें लम्स ना पड़े ध्यान रखना, इस तरह से मिक्स करना है। पूरा हमें लगने वाला है 1 कप दही और 2 कप पानी, तो ये खांडवी परफेक्ट बनती है। आप कोई भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैंने करके पूरा डाल दिया है, अपना मिश्रण होना चाहिए। खांडवी का बैटर रेडी हो चुका है, अभी हम गैस ऑन करेंगे। गैस पे मैंने एक बर्तन रखा है, उसमें अभी हम ये मिश्रण ऐड करने वाले हैं। गैस की फ्लेम धीमी है, धीमी आंच के ऊपर हमें इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। तुरंत ही इसे मिलाते जाइए धीमी आंच के ऊपर। टोटल 10 मिनट बाद देखेंगे हम, देखो कैसा मिश्रण हो गया है। ये चम्मच से ऐसा थोड़ा सा देखो ऐसा मिश्रण होना चाहिए, और कितना शाइनी और सॉफ्ट सिल्की ऐसा ये मिश्रण हो गया है। थाली में मैंने ग्रीसिंग करके रखा था तेल से, तो अभी हम ये मिश्रण भी रेडी है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण इसमें से डालते जाएंगे और इसे ढक करके रखेंगे। देखिए इस तरह से डालना है, हमें फैला लेना है और तुरंत इसे ऐसे पूरा अप्लाई करना है इसके ऊपर। पहले इस तरह से कीजिए सीधा, इस तरह से कीजिए, बाद में फिर से थोड़ा सा मिश्रण हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह से ये हो गया, अंदर की साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें ऐसे डाल देंगे। मैं आपको एक प्लेट का बताती हूँ, बाकी सारी प्लेटें हम ऐसे ही कर लेंगे। अब तुरंत ही फास्टली ये काम करना है हमें। देखिए कैसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण होना चाहिए तो खांडवी बहुत मस्त बनती है, कच्ची भी नहीं रहती और बहुत सॉफ्ट ऐसी। एक बार ऐसा घुमाओ और एक बार ऐसी घुमाओ, इस तरह से
साइड में रख देंगे और दूसरी थाली में भी हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे पूरा फैलाना है हमें मिश्रण को। जैसे हमने पहले इसे फैलाया था वैसे इसे भी हम आड़ा और सीधा ऐसा शेप में कर लेंगे। ये भी ऐसे ही अभी मैं सारी थालियां ऐसे बना के आपको बता दूं। जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है हमारा तब तक हम इसमें तड़का करेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल डालती हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे सरसों, सफेद तिल, एक हरी मिर्च। तिल डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे रखिए ताकि वो उड़े ना। करी पत्ता डालेंगे, हींग डालते हैं, ऐसे मिक्स करेंगे। मस्त ऐसा सॉस तैयार हो चुका है अपना। गैस की फ्लेम बंद करेंगे हम। 7 से 8 मिनट में ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इसे कट लगा लेंगे। आपको जिस शेप में चाहिए आप उसे कट कर सकते हैं। अंदर से बाहर से मैंने लगा लिया था, इसे हम कट कर रहे हैं और इसे निकालते जाएंगे अभी और फोल्ड करते जाना है हमें। देख सकते हो कितना पतला ऐसा मस्त। इसे छुड़ा लेना है चाकू से और ऐसे फोल्ड करना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। इसे हम बीचों बीच भी एक कट कर देते क्योंकि मोटा हो रहा है तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए फिर बीचों बीच मैंने एक कट लगा लिया है। ऐसा परफेक्ट अपना बैटर होना चाहिए पका हुआ। देखिए इस तरह से सारी खांड भी हम ऐसे ही निकाल देंगे और डिश में रखते जाएंगे। ये बाजू का रहेगा वो बाद में हम खा सकते हैं इसे। अभी इसे भी मैं निकाल रही हूँ अंदर की साइड जो मैंने लगाया था इस तरह से। थोड़ा नाजुक काम है, इसे ऐसे छुड़ा देंगे। ऐसे बड़ा का हो जाएगा तो इसे आप ऐसे कट लगा सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे सॉफ्ट ऐसी खांड भी रेडी है। मैं सारे प्लेट्स को ऐसे ही निकाल के बताती हूँ आपको। देखिए सारी थाली में से मैंने निकाल लिए, कितने मस्त सॉफ्ट ऐसे खांड भी रेडी हो चुके हैं। देख सकते हो आप मस्त मुलायम सॉफ्ट। ऐसे छुड़ाओगे तो भी वो फिर से निकल जाएगी। ऐसे अपना मिश्रण होना चाहिए। मैंने अपने मिश्रण बराबर हुआ है तो मस्त हुई है। तो इसके ऊपर हम तड़का लगा देंगे। ये फैला देना है हमें। आपको जो भी तड़का पसंद है आप इसमें लगा सकते हैं। इसके ऊपर फैलाने के बाद इसमें हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा नारियल, फ्रेश नारियल, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर छिड़क रही हूँ। मस्त दिखेगा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, लाल पीला हरा, वाओ वाइट। रेडी अपनी खांडवी सुरळीची वड़ी। इसे प्लेट में सजा रही हूँ मैं। इसे बनिए देख सकते हो आप, वाओ। आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि कैसे बनी है।
देखिए मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया, कितनी सुंदर दिख रही है दिखने में। हम इसमें से एक चेक करती हूँ, मैं खा के बताती हूँ कि कैसे बने हैं। इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ खाइएगा। वाह बढ़िया, मुँह में जाते ही मेल्ट हो रही हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई करना। आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्त बनती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे बनी थी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स परिवार में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।